बीबी बत्ती नवांशहर देख रहे हो, मैं दिनेशरी। दोस्तों कल दी ग्रेट खली दी एक वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो तो बाद हुण ग्रेट खली शिकायत दर्ज करवाउण पहुंचे पुलिस कमिश्नर दफ्तर। लाडोवाल टोल प्लाजा ते विवाद दा मामला आया सी सामने। बीते दिन लुधियाणा दे लाडोवाल टोल प्लाजा ते होए झगड़े दे संबंध च दलीप राणा उर्फ ग्रेट खली ने अज पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुँच के अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। पत्रकारों नाल गलबात करदे दा ग्रेट खली ने कहा कि वह कल जलंधर तो करनाल जा रहे सी कि सवेरे 9 बजे के करीब टोल प्लाजा के कुछ लोगों ने जबरदस्ती उन्हां नाल तस्वीर खिंचण की कोशिश की। जो उन्होंने इनकार किया तो उन्होंने बदसलूकी की गई। इस संबंधी उन्होंने पुलिस को शिकायत दे दी है तो उन्होंने बदनाम करने लिए वीडियो बनाउण समेत इस सारी कार्रवाई की डूंघाई नाल जांच करके दोषियों खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करन की अपील की है। देखते हैं जी पूरी वीडियो। क्योंकि जो कल एक मिसबिहेव करा टूल टैक्स के मुलाजम ने, वो एक बहुत ही मतलब कितना अवॉइड बंदा करे। मैं पहले तो सोचा, मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, मैंने कहा जो भी हो छोड़ो, मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनसे उनकी बात का रिएक्शन दूँ। पर लेकिन उसने जो सोशल मीडिया पर डाला, वो जैसे बोलते ना कि एक हीरो बनने के चक्कर पे किसी को गाली गलौज देना, मेरे को नहीं लगता कि ठीक है। मैंने कैसे कैसे कंट्रोल किया अपने आप को, कैसे कैसे कंट्रोल किया, जैसे उल्टी सीधी गालियाँ दे रहा था। अगर कोई दूसरा सेलिब्रिटी होता, उसकी कोशिश शायद यही थी कि भाई ये मतलब एक गुस्से होए और हमारे पे कोई अटैक करे या गाली गलौज करे। आपने भी देखा था कि भाई मैंने मेरी मुंह से एक भी कोई गाड़ी नहीं निकली। और ये कौन सी धमकी होगी कि अगर फोटो नहीं खिंचाएंगे तो हम तेरे को जाने नहीं देंगे। तो वहाँ से हमारा विवाद शुरू हुआ है और मतलब उसी बात पे मतलब कि भाई तेरे को हम जाने नहीं देंगे या फोटो खिंचाओ, ये कौन सी बदमाशी है। मैंने आपको वीडियो पे भी सुना था, तो ऐसे मतलब कि ब्लैकमेल क्यों कर रहे तुम, आपने देख रहे तो लड़ाई के लिए प्रभो कर रहे थे। मैं घर से करनाल जा रहा था, जलंधर से करनाल जा रहा था मैं, ये सुबह 9 बजे की, राउंड 9 बजे की। पुलिस को शिकायत दी, अभी उन्होंने भरोसा दिलाया कि भी जो भी मतलब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात यह कि कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि मतलब मैं चाहूँगा कि भी उनका जो टूल टैक्स वाले की कंपनी है, जो टूल टैक्स वाले है, जो उनका लाइसेंस कैंसिल हुए और ऐसे मुलाजिम को जो उनने मुलाजिम रखे है, ऐसे मुलाजिम को सख्त सजा दे। कितने लोगों के खिलाफ आपने शिकायत दी है? वहाँ पर बहुत थे, लेकिन एक बंदा ज्यादा बोल रहा था, जो उल्टा सीधा जो बोल रहा था, एक बंदा ज्यादा बोल रहा था। जो नाम का मैं कौन सा उनका रिश्तेदारों का नाम पता, मेरे को टूल टैक्स का कर्मचारी था जो उल्टा सीधा बोल रहा था। वो सब झूठ मार रहा है, अगर थप्पड़ मारा तो आपको देखना था। जो अगर गाड़ी के अंदर घुस के बोलते कि आज जाके देखो, तो बंदा के क्या बोलेगा? सारी अगर 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 थप्पड़ की बात होती तो सबसे पहले थप्पड़ दिखाने तुमने, कार्ड तुमसे पूछोगे कौन सा कार्ड मांग रहे थे, उससे पूछोगे कौन सा कार्ड मांग रहे थे, ठीक है। अगर बात उसको करनी चाहिए थी ये कि भी मतलब जाने देना या नहीं जाने देना, वो कहता तेरे को हम जाने नहीं देंगे या नीचे उतरे, ये कौन सी बात होगी मतलब। और आप हर रोज इंटरव्यू लेते हैं, आप बोलेंगे किसी को कि अगर इंटरव्यू नहीं देंगे तब हम तेरे खिलाफ उल्टा सीधा या गाड़ी देंगे। बिल्कुल मैं ऊपर प्रशासन तक करूंगा, पर मेरे को अभी तक जो है जो जॉइंट सीपी है, इन्होंने मेरे को पूरा आश्वासन दिया है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। अगर नई कार्रवाई होगी तो एब्सोल्युटली मुलाजिम तैनात था, कोई पुलिस मुलाजिम था वहाँ पे? नहीं, कोर्ट का मेरे को कोई मुलाजिम नहीं देखे। हाँ, पीछे से गाड़ी आई जो मतलब एक कहीं जा रहे होंगे, वो भी मतलब कहीं पुलिस वाले कहीं जा रहे होंगे। नहीं नहीं, टोल पे कोई मुलाजिम नहीं था उस टाइम, लेकिन पुलिस की गाड़ी पीछे से आई, वो पता नहीं किसकी थी, उनको देख के मतलब बताया जा रहा है पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। मैंने कहा यार पुलिस आ गई तो फिर क्यों, पुलिस आ गई हमारी सेफ्टी के लिए।
कोई बदमाशी भी थोड़ी है कि अगर बदमाशी पुलिस ने आपको क्या बताया क्या जान पुलिस हमने कुछ नहीं तो वो तो अनजान बंदे उनको क्या बता जा रहे वो तो ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं कंप्लेंट दी है उन्होंने बताया है कि हम उन पे कार्रवाई करेंगे सर जिसने वीडियो वायरल की है वो कौन था ऐसी नहीं करनी चाहिए और उनको मेरी प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है ऐसा जो गुंडेगर्दी है गुंडे बदमाशी करते है उनको सख्त से और इन्होंने क्या कि इन्होंने नाल बदतमीजी की थी तो कि सर मामला क्या अभी कर रहे हैं हिंदी में आज एक कंप्लेंट दिलीप राणा जी जो ग्रेट खली के नाम से जाने जाते हैं इन्होंने एक कंप्लेंट दी है कमिश्नरेट में तो वो जो कंप्लेंट है वो आगे मार्क की गई है फॉर इन्वेस्टिगेशंस तो उसके आधार के ऊपर जो भी वीडियोग्राफी या जो भी वहाँ पे फुटेजेस अवेलेबल होंगी या जो भी एविडेंस वहाँ पे सामने आएगी उसके आधार के ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है या जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए सर कंप्लेंट क्या दी गई है इन्होंने यही कंप्लेंट दी है कि मेरे साथ वहाँ पे कल 9 बजे सुबह जब ये जलंधर से करनाल की तरफ जा रहे थे तब इनके साथ टोल प्लाजा के ऊपर कुछ मुलाजिमों ने जो हैं उन्होंने बदतमीजी करी है उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट नहीं उसके नाम अभी मेरे ध्यान में नहीं है मेरे को पता नहीं है खली ने ये भी बताया कि वहाँ टोल प्लाजा में पुलिस के मुलाजम नहीं थे कोई वीआईपी सेलिब्रिटी नहीं थे ऐसे कोई मुलाजम नहीं थे जब झगड़ा हुआ उसकी भी जांच की जाएगी देखिए सभी चीज़ों की जब कोई कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर जितने भी पैरामीटर्स हैं इन्वेस्टिगेशन के वो सभी फॉलो किए जाते हैं थैंक यू सर